होकर नमस्कार कर रही है एक मुसलमान को, ये तो बड़े शर्म की बात है। और कहती है मैं तो भारतीय हूँ, मैं भारतीय होने के नाते कर रही हूँ, ये तो बड़ा जैसी कोई चीज है ही नहीं। एक मुसलमान धर्म परिवर्तन लड़की को या लड़के को क्यों करना चाहिए? तो मैंने उसको जवाब दिया था और ये सच भी है कि देखिए प्यार अंधा होता है। प्यार में जब आदमी अपनी जान तक दे सकता है तो मजहब क्या चीज है? जब आपने प्यार किया है तो उस अपने आशिक का या अपने माशूक का धर्म एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपने प्यार किया है उससे। आप अपने प्यार के लिए अपनी जान दे सकते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं, अपने समाज को छोड़ सकते हैं, फिर धर्म तो कोई चीज रही नहीं। और अगर धर्म को ये मानते, जिनको नाकाम आशिक कहता हूं मैं आज के जमाने में, अगर ये नाकाम आशिक धर्म को मानते, फिर धर्म तो ये कहता है कि लड़की से शादी से पहले इस्लाम मिल बैठने की, बातें करने की, गलबैया करने की, प्यार वगैरह करने की इजाजत ही नहीं देता। अगर वो इस्लाम को मानते, इस्लाम को तो वो मान ही नहीं रहे। जब शुरू से वो इस्लाम को नहीं मान रहे हैं तो फिर अगर वो कोई क्राइम कर देते हैं, कोई जराइम कर देते हैं, कोई गुनाह कर देते हैं, फिर इस्लाम से उसको कैसे जोड़ा जाता है? ये बड़ी अजीब सी बात है, विचित्र बात है, ये अकल में आने वाली बात नहीं है। एक आदमी खुल्लम खुल्ला धर्म की मुखालफत कर रहा है, इस्लाम की मुखालफत कर रहा है, धर्म के कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, वो कहता है मैं धर्म को नहीं मानता, और फिर उसको जो है धर्म से जोड़ दिया जाता है क्योंकि उसका नाम मुसलमान है। तो ये राजनीति है खुली। अच्छा रशीद साहब, आपने एक बड़ी अहम बात कही जो कि इस जब मुद्दे पर हम बात करते तो निकल कर आता है कि लव और जिहाद की जब बात होती है कि इस्लाम में किसी दूसरे मजहब में शादी जायज नहीं है, तो आपको नहीं लगता जब भारत जैसे देश की बात करते हैं जहां पर अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं और संविधान ये इजाजत देता है कि अपनी मर्जी से जीवन साथी चुन सकते हैं, ऐसे में ये कहना कि जब तक इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तब तक आपकी शादी जायज नहीं होगी, तो ये इस बात की दावत नहीं देता कि जो लोग प्यार में होते हैं जैसे आपने कहा तो उन्हें दूसरे का मजहब प्यारा लगता है? तो एक बात तो ये कि अगर प्यार करते हैं तो दोनों लोग करते हैं तो लड़का भी दूसरी लड़की के मजहब को फॉलो कर सकता है, लेकिन इस्लाम में ही आना है, तो कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन है यही इन सारी फसाद की जड़ आपको नहीं लगती? देखिए मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू लड़कियां मुसलमान हो रही हैं, ऐसा नहीं है, या उनको मार दिया जा रहा है। देश के अंदर 30 लाख मुसलमान बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं। 30 लाख मुर्तद का मतलब यह है कि वो इस्लाम छोड़ चुकी हैं इसी प्यार के कारण। मुसलमानों ने तो कभी डंडा झंडा नहीं उठाया, मुसलमानों ने तो कभी इस पर डिबेट नहीं की। मुसलमान तो इस पर यह नहीं कहता कि हिंदू जिहाद है या आतंकवाद है या कुछ है, मुसलमान तो नहीं बोलता इस पर। मुसलमान इसलिए नहीं बोलता कि देखिए जो आदमी इस्लाम में रहना चाहता है वो इस्लाम में रहे, जो इस्लाम में नहीं रहना चाहता, इस्लाम को छोड़ना चाहता है वो चला जाए, क्योंकि इस्लाम में स्थिति नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर जबरदस्ती होती है तो फिर वो दीन नहीं है। मैं क्लियर कर रहा हूं इस बात को कि दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है, और अगर जबरदस्ती कोई आदमी धर्म परिवर्तन कराता है किसी का तो फिर वो दीन नहीं है, उसको आप दीन नहीं कह सकते, क्योंकि दीन का मतलब ये है इस्लाम को जो आदमी मानेगा वो अपने दिल से मानेगा, अपनी इच्छा से मानेगा, अपने उस अकीदे के साथ मानेगा जिसको उसने पढ़ा है, जिसको उसने समझा है, या अल्लाह में खुदा में वो बिलीव करता है, उसकी वजह से अगर वो इस्लाम को या धर्म परिवर्तन करता है तो मैं समझता हूं कि हाँ वो एक सच्चा मुसलमान आगे चलकर बन सकता है। अगर आपने उसको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया तो उसकी क्या गारंटी है कि वो मुसलमान रहेगा? क्या गारंटी है वो इस्लाम के धर्म के उसूलों पर चलेगा? तो इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है जो लोग इस शर्त पर। अच्छा दूसरे ये देखिए, निकाह जो है शर्त के साथ नहीं होता, ये मैं खुले मन से एक मसला आपको बताना चाहता हूं। शर्त क्या है? अगर कोई ये कहे कि आपको धर्म परिवर्तन करना है तब मैं निकाह करूंगा, शरीयत इस शादी को नहीं मानता। अगर कोई ये कहे कि आप मुझे 1 लाख रुपया दीजिए तब मैं आपसे निकाह करूंगा, शरीयत इसको भी नहीं मानती। शरीयत में निकाह जो है वो बगैर किसी शर्त के है, दोनों की इच्छा और दोनों की रजामंदी से है। अगर कहीं भी किसी भी जगह एक आदमी पर कोई दबाव है, दहेज का दबाव है
या समाज का दबाव है या किसी और तरह का दबाव है, तो इस्लाम ये कहता है कि लड़की को भी इजाजत है वो अपने इस निकाह को न माने, और लड़के को भी इजाजत है वो ये कह दे कि मैं शादी नहीं करना चाहता। इस्लाम दोनों को खुली छूट देता है। तो जब इस्लाम ने दोनों को खुली छूट दे रखी है और इस्लाम में कोई जबरदस्ती भी नहीं है और 30 लाख बच्चियां हमारी भी मुर्तद हो चुकी हैं, तो फिर इसको अगर कोई मुसलमान लड़का साइको होकर या अपने रशीद साहब, अगर कोई मुर्तद हो रहा है तो उसकी अपनी सोच, अपनी मर्जी से अगर कोई और धर्म फॉलो कर रहा है या छोड़ रहा है तो वो उसकी अपनी सोच होगी। बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं यही तो कहता हूँ अगर कोई लड़की किसी मुसलमान लड़के के प्यार में पड़ती है और वो अपना धर्म बदल लेती है, वो भी तो उसकी सोच है। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल उसको ये है फिर लव जिहाद से क्यों जोड़ा जाता है, लव जिहाद से क्यों जोड़ा जाता है उसको। जी, मेरा सवाल आप सुन लीजिए, सवाल और बहस जो है वो ये कि एक मुसलमान लड़का हिंदू नाम से एक हिंदू लड़की के साथ प्यार का रिश्ता बनाता है और इस हद तक पहुंच जाता है, लड़की प्यार में आ जाती है और फिर उसके बाद पता ये चलता है कि वो तो मुसलमान है। ऐसे में इस तरह के जो केसेस बढ़ रहे हैं तो उसमें उस माइंडसेट की बात करें कि पहले आप झूठ बोलकर दूसरे नाम के साथ एक लड़की के साथ रिश्ता बनाते हैं और फिर इस तरह का प्रेशर कि वो धर्म भी बदले और अंजाम कहीं ना कहीं मौत हो रहा है, तो ये बड़ा खतरनाक है हमारे देश और समाज के लिए। आप मुझे बताइए, जो आदमी शुरू से नाम बदलकर आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो सीधा धोखा हो गया ना, उसमें इस्लाम कहां से आ गया बीच में, वो तो धोखा है, वो तो शुरू से धोखेबाज है, दगाबाज है। सामने आ रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि इस्लाम है, मैं ये कह रही हूं कि मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, ऐसे किसे सामने आ रहे हैं उसको, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। सुनिए ना, मैं उसी को तो कहना चाह रहा हूँ, जो आदमी शुरू से किसी लड़की को धोखा दे रहा है या कोई लड़की अगर किसी लड़के को धोखा दे रही है तो वो तो धोखा हुआ ना, आपने चीटिंग की ना उसके साथ में, आपने खिलवाड़ किया ना उसकी जिंदगी के साथ, तो ये तो इसमें देश में कानून है उसके लिए। अगर लड़की फिर भी जानने के बावजूद या लड़का जानने के बावजूद फिर भी एक दूसरे से शादी करते हैं और एक दूसरे के धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के धर्म को मान लेते हैं, तो ये संविधान तो इसकी इजाजत देता है ना, इसमें लव जिहाद कहां से हो गया। मेरी समझ में यही बात नहीं आती कि जब लड़की या लड़का अपनी इच्छा के साथ, देखिए नुकसान कहां होता है, मैं पहले भी इस बात को आपके ही प्रोग्राम में कह चुका और एक दो चैनलों पर भी कह चुका, जब तक लड़का और लड़की प्यार में है, जब तक उनकी जोड़ी बनी हुई है, आपस में प्यार कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ना लड़के को दिक्कत है, ना लड़की को दिक्कत है, ना समाज को दिक्कत है। दिक्कत कब होती है, जब पता चलता है कि लड़के ने लड़की को छोड़ दिया, तो लड़की डिप्रेशन में आ जाती है। पहले तो उसको उसका धर्म भी अच्छा लगता है, पहले उसकी गालियां भी अच्छी लगती हैं, उसकी बातें भी अच्छी लगती है, सब कुछ लगता है। जब उसका उसकी नाइतफाकी हो जाती है किसी बात को लेकर, तब वो लड़की फिर उससे इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए इस तरह की चीजें निकालती है। नाम छिपाकर मुझसे प्यार किया गया साहब, ये तो मुसलमान था, और भी बहुत सारे इल्जाम, इसने मेरे साथ एक साल तक रेप किया बगैर बताए, बगैर ये कि शादी का झांसा देकर, या 10 तरह की बातें निकल के आती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, लड़की हो या लड़का, दोनों को एक बात समझने की जरूरत है, हिंदू धर्म में भी इस्लाम धर्म में भी शादी करने का एक जायज तरीका है, एक एक रीति रिवाज है समाज के अंदर। आप इस प्यार प्रसंग के चक्कर में पड़ते क्यों हो, नंबर एक। अगर किसी वजह से मान लिया जाए, चलो प्यार प्रसंग में पड़ गए आप, तो प्यार प्रसंग में पड़ने के बाद में कम से कम आपके बड़े छोटे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, आपके सामने आप एक आपका एक रिलीजन भी है, धर्म भी है जिसको आप फॉलो करते हैं, इतना अंधा क्यों हो जाते हैं आप कि आपको यही पता नहीं चलता कि दुनिया है भी कि नहीं। और जब चोट खाते हो तो फिर धर्म भी याद आता है, माँ बाप भी याद आते हैं, समाज भी याद आता है, संविधान भी याद आता है, और कानून भी याद आता है। ये कौन सी अकलमंदी की बात है, ये दोनों तरफी होता है।
तो मेरा कहना यह है कि इसको जो लोग धर्म से जोड़ते हैं उनका दिवालियापन है, वो दिमागी तौर से साइको हो चुके हैं, वो इस्लाम दुश्मनी में मुसलमान दुश्मनी में इस तरह की बातें करते हैं। लव में कोई जिहाद नहीं हो ही नहीं सकता। हाँ देखिए कुछ चीजें हैं, जिस तरह से पहले मिशनरी के बारे में बातें आई, जिस तरह से बीजेपी की कुछ हिमायती तंजीमें, बीजेपी की कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो उनको हिमायत करती हैं, उन लोगों ने कहा कि साहब अगर मुसलमान हमारी 10 लड़कियों से शादी करेंगे तो हम उनकी 100 लड़कियां लेकर आएंगे, जो एक खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहा है, तो फिर उसको समझा जा सकता है कि हाँ ये एक एक बिल्कुल सोची समझी साजिश है। मुसलमानों ने तो ऐसा नहीं किया, ना किसी तंजीम की तरफ से, ना किसी मौलवी की तरफ से, ना किसी आलिम की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि आप हिंदू लड़कियों को लेकर आओ, ना इस्लाम इसको कहता है। जब मैं कह रहा हूं कि इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता कि आप शादी से पहले किसी के पास तन्हाई में बैठो, उससे बातें करो, प्यार व्यार करो, ये सारी चीजें, हाँ इतना जरूर कहता है इस्लाम, अगर आपने किसी को निकाह का पैगाम दिया है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो इस्लाम ये कहता है कि आप उसको देख लो एक बार, उसको समझ लो एक बार। समझने का मतलब ये नहीं कि तन्हाई में बैठो, समझने का देखने का मतलब ये है कि फैमिली के साथ में बैठो, देखो, उससे बात करो, तो आमने सामने जो भी आपको बात करनी है, जो समझनी है वो समझ लो उससे, लेकिन सबके सामने। आजकल का जो रिवाज है कि साहब देखिए मुसलमान भी कर रहा है इस चीज को और हिंदू भी कर रहा है, शादी के मामले में भी जब लड़का और लड़की की शादी की बात होती है तो कहते हैं इनको अकेला छोड़ दो, बातें करने दो। अरे भाई अकेला क्यों छोड़ रहे हो इनको आप, क्या बातें करेंगे? जो बात जिंदगी बिताने के लिए इनको करनी है वो आपके सामने भी कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना ही तो होता है भाई, आप क्या हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, आपको किस तरह का लड़का चाहिए, या लड़की ये कहे भाई आपको किस तरह की लड़की चाहिए, यही सारी बातें तो होती हैं, तो ये माँ बाप के सामने भी हो सकती हैं। इनको तन्हाई में छोड़ देना, ये सारे नुकसानात वहां से पैदा हो रहे हैं कि हमारा माशरा, हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं गलत लाइन पे जा रहा है। ये एक अलग हो गया, हम जिस इसी से जुड़ा हुआ है जी, वो मौजू ये है कि आजकल जो केसेस सामने आए हैं, हम अगर लव जिहाद की बात करते हैं, आप कहते हैं कि लव में जिहाद होता नहीं, लेकिन केरला में जो 2010 में केस हुआ था जहां पर क्रिश्चियन लड़कियों के मास कन्वर्जन का केस पहुंचा था, उसके बाद एनआईए ने भी जांच की थी और वहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, और उसके बाद से हम देखते हैं कि देश भर में इस तरह के केसेस सामने आते हैं। और अब जो पैटर्न सामने आया है कि पहचान छुपाकर पहले तो हिंदू धर्म की लड़कियों को या अन्य धर्म की लड़कियों से रिश्ता या शादी बनाई जाती है, और ज्यादातर लड़कियों का जीवन अंत हो रहा है, किसी को करंट लगाकर मार दिया, किसी को धक्का दे दिया, ये सारी चीजें श्रद्धा राबता के सामने है। तो ऐसे जो केसेस है, एक तरफ आप कहते हैं कि इस्लाम में जायज ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कह देना, जब ये बात तो जायज है जब अलग अलग धर्म और जाति के लोग मिलते हैं, दोस्त होते हैं, प्यार मोहब्बत हो जाती है, तो वो उस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, फिर समाज कहता है कि जब तक धर्म परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर है वो युवाओं को इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं इसकी वजह से परेशानियां बढ़ नहीं रही है। नंबर एक, जो आपने 2009 का जिक्र किया, 2017 में आपने सुप्रीम कोर्ट का भी हादिया केस के मामले में जजमेंट सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि लव जिहाद नहीं है। दूसरे, एनआईए ने बाकायदा खुद कहा कि देश में कोई भी इस तरह का केस हमें कन्विक्ट नहीं हो पाया जिसको लव जिहाद कहा जाए। तीसरी बात, 2021 में सरकार के मंत्री ने खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि देश में लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। जब एनआईए नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, देश की सरकार नहीं मानती, तो ये लव जिहाद है कहां? लव जिहाद आया कहां से? दूसरी बात, मैं फिर कहता हूं, क्यों करते हो आप क्यों करते हो आप ऐसा क्यों करते हो? सुनिए, हाँ मैं ये कहता हूं कि हमारे बच्चे इस तरह के प्यार प्रसंग में पढ़ते क्यों हैं? वो धर्म को क्यों नहीं पढ़ते? धर्म के बारे में क्यों नहीं जानना चाहते? जो मगरबी तहजीब है, जो अंग्रेजों की तहजीब है, उसको अपनाना क्यों चाहते हैं? हमारे समाज की धज्जियां क्यों उड़ाना चाहते हैं? दूसरी बात यह है कि अगर आपको करना है तो उसको इस तरीके से करो जिसको समाज भी एक्सेप्ट करे, जिसको धर्म भी एक्सेप्ट करे।
तीसरी चीज ये है कि ये मामला जो आप कह रहे हैं कि फेसबुक के नाम बदलकर मुसलमान लड़के कर रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमान लड़के थोड़े कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, हिंदू भी मुसलमान लड़कियों से मुसलमान नाम रखकर करते हैं, हजारों केस हैं इस तरह के। मैंने बताया खुद दिल्ली 6 के अंदर हजारों इस तरह के केस हैं कि लड़कियों के साथ इस तरह का प्यार प्रेम हुआ और वो आज भी उनके साथ रह रही है, या कुछ लड़कियों ने मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे जब पता चला। तो ये ऐसा नहीं कि उसकी तरफ से, दूसरी ये कि जब कोई आदमी जराइम करता है, कोई आदमी सुनिए, आदमी जब गुनाह करता है, इस तरह की साजिश करता है, तो वहां धर्म को लेकर मत आइए, देश का कानून है वो उसको सजा देगा, धर्म क्या करेगा इसमें? देश का कानून तो सजा देगा, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इस विषय पे बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, और जो चीजें गलत हो रही है उसको बात करके कहीं ना कहीं लोगों तक जानकारी पहुंचती है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं या कर सकते हैं उन तक सही जानकारी पहुंचती है। लेकिन एक बात जो आपने कही कि दिल्ली 6 में इस तरह के केसेस हैं जहां पर हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों से इस तरह का रिश्ता बनाते हैं पहचान छुपाकर, तो मेरा कहना यहाँ पर यह है कि उन केसेस में ऐसा तो नहीं है कि उनका उद्देश्य धर्म परिवर्तन होता है, या वो उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुम फातिमा से तुम सीता बन जाओ, या उनका उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर होता है, या जो जिस तरह का पैटर्न हम जिस पे बात कर रहे हैं वो उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बात ये है और जो अहम मुद्दा है कि परिवर्तन के जो दबाव आता है इन पूरे केसेस में वो फसाद की जड़ है। आप डिबेट को जो पूरे पिछले शुरू से बात होती है उसको याद नहीं रखते शायद। मैंने बोला कि 30 लाख मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, ये दबाव में तो हो चुकी हैं, प्यार प्रसंग में तो हो चुकी हैं। आंकड़े इसको क्या कहेंगे आप? किसके पास है वो डेटा? सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, पब्लिक डोमेन में है, सरकारी आंकड़ा है, पब्लिक डोमेन में है कि दिल्ली 6 की 20 लाख लड़कियां मुर्तद। अरे भाई आप इसको गूगल, दिल्ली से नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली से नहीं कह रहा हूँ, आप इसको गूगल कीजिए, आपके सामने सारी हकीकत आ जाएगी, पब्लिक डोमेन में है सारी चीजें। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये काम सिर्फ मुसलमान ही थोड़े कर रहे हैं, हिंदू लड़के भी कर रहे हैं। और दूसरे ये है कि जो आदमी जुर्म करता है वो हिंदू मुसलमान थोड़े होता है, वो तो मुजरिम होता है, कानून तो सोचकर सजा थोड़ी देता है कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है, कानून तो जिसको सजा देता है वो मुजरिम समझकर देता है। तो यहां टीवी पर हिंदू मुसलमान क्यों होता है? देश का कानून समझेगा उसको, जिसने किसी की जान ली है देश का कानून समझेगा, उसको सजा देगा। यहां मुसलमान क्यों होता है? अगर संविधान में ऐसी कोई धारा है कि साहब मुसलमान करेगा तो इतना होगा, इतनी सजा दी जाएगी, हिंदू करेगा तो इतनी सजा दी जाएगी, ऐसी कोई धारा नहीं है, तो फिर इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देखा जाता है? हिंदू मुसलमान किया क्यों जाता है? हिंदू मुसलमान होना नहीं चाहिए, जो मुजरिम है सो मुजरिम है। हाँ मुजरिम तो मुजरिम है, लेकिन जब वो मुजरिम बन जाता है पहचान छुपाता है, उससे पहले भी तो जो दो लोग होते हैं जो आपस में प्यार में शादी करते हैं वो तब भी तो हिंदू मुसलमान होते हैं। जब केस जाता है और मीडिया में ये बात सामने आती है तो हिंदू लड़के भी छुपाते हैं ना, सामने आ रहे हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान हो जाता है। जब दो अलग अलग धर्मों के लोग जुड़े हुए होते हैं और इस तरह के केस सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि चर्चा होती है इस पर। संविधान तो अपने हिसाब से तय करता है। मैं आपको 30 लाख केस बता रहा हूँ, सुनिए, मैं आपको 30 लाख केस बता रहा हूँ, लेकिन एक भी ऐसे केस पर डिबेट नहीं करेगा कोई टीवी कि हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की को धर्म परिवर्तन करा लिया, कोई टीवी डिबेट नहीं करेगा, दावे के साथ कह रहा हूँ। आप भी नहीं करेंगे, आप लेकर आइए ना, अगर लगातार इस पैटर्न पर हो रहा है तो इसलिए उन्हीं उन्हीं केस को सामने लाया जाता है। आप लेकर आइए, क्यों नहीं होगी चर्चा? हम करेंगे चर्चा, अगर कोई कर रहा है इस गलत इरादे से लड़कियों को, बिल्कुल बात होनी चाहिए। आप इतनी सीधी बन रही हैं, क्या गूगल करके आपको पता नहीं चलता कितनी लड़कियों ने हिंदू धर्म कबूल कर लिया? क्या आपको हिंदू के केस नहीं मिलते ऐसे? आप ईमानदारी से कह सकती हैं, लड़कियों की बात कही तो आप मुझे बताइए ना कि कौन से डिपार्टमेंट का 20 नहीं 30 30 30
बीस नहीं तीस, तीस अच्छा तीस, 30 लाख। मैं 20 नहीं कह रहा हूँ। हाँ तो कौन से डिपार्टमेंट का आंकड़ा है? और मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं कई कई बड़े चैनलों पर इस बात को कह चुका हूं जी, और ये पब्लिक डोमेन में है, मैं कोई छुपा कर ये बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन उस पर, लेकिन उस पर, उस पर ना तो, उस पर ना तो कोई हिंदू एंकर बात करेगा, और आप तो मुसलमान हैं, आप तो मुसलमान हैं, आप भी उस पर बात नहीं करते। कभी आपने ऐसी कोई डिबेट नहीं रखी कि साहब ये इस लड़की को हिंदू बना लिया गया ना, ये हम इस पर, आपको पता नहीं है क्या? आपको पता नहीं है क्या? आपको किसी ऐसे केस का नहीं पता? मेरे सामने ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें, बताइए आप ईमानदारी से, आपको किसी ऐसे केस का नहीं पता क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, मेरे सामने तो ऐसा केस नहीं है। बहुत सारे ऐसे जरूर, आप गूगल गूगल शादी की है कर लीजिए, अभी गूगल कीजिए, आपकी आवाज आप अभी गूगल कीजिए, मैं कह रहा हूं अभी गूगल कीजिए, आप सैकड़ों केस मिल जाएंगे, कीजिए गूगल अभी। क्या करूं बताइए, क्या लेना आप है? आप यही गूगल कीजिए, आप उस पे लिखिए कि कितनी मुस्लिम लड़कियां धर्म छोड़कर प्यार के मामले में हिंदू धर्म कबूल कर चुके हैं, लिखिए उस पर, देखिए आपको पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो उसमें ऐसा था कि उन्होंने पहले पहचान छुपाई थी और उसके बाद ये एक तरह, और आप जिस पर बहस कर रही हैं उसमें कहां लिखा है कि पहचान छुपाई थी? अरे यही तो केसेस आ रहे हैं सामने कि पहचान छुपाकर पहले उस लड़की के साथ रिश्ता बनाया जाता है, फिर अंजाम नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। अभी जो सुनिए जो बता हुआ नाम है, अभी तनिषा, अभी करंट लगाकर घर में गाड़ दिया, सुनो की माँ रिश्तेदारों के यहाँ, अरे सुनिए, अभी तनिषा की भाई बहू कहाँ है, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया लड़के की माँ ने, अभी को घर में ही दबाव पाया गया। अभी तनिषा मर्डर केस सुना है आपने? तनिषा मर्डर केस सुना है? एक्ट्रेस का हुआ है अभी, सुसाइड केस, एक मुसलमान लड़के के साथ रिलेशन में रहती थी वो, उसकी माँ को पता था सारा, उसके साथ काम, लेकिन जब उसका जब उसने नहीं रहती थी, रिलेशन में रहती थी, आपको जानकारी नहीं है, रिलेशन में रहती थी, उसके माँ बाप को पता था। अभी 15 दिन सुनिए, अरे नहीं आपको जानकारी नहीं है, सुसाइड से 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हुआ था, सुसाइड से 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद में जिस दिन, जी मैं वही बता रहा हूं, सुसाइड से 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ, और जिस दिन उसका सुसाइड होता है उस दिन भी उनकी एक मीटिंग हुई, उस दिन भी उनकी मुलाकात हुई, माँ को सारा पता था, लेकिन जब उसने सुसाइड कर लिया तब माँ को याद आया कि लड़का तो मुसलमान है, इसके तो कई अफेयर और भी चल रहे हैं, पहले से नहीं जानते थे। फिर टीवी डिबेट में ही एक एक्टर ने आकर, मुकेश खन्ना जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि एक के साथ, दो के साथ, चार के साथ, ये तो फिल्मी एक्टरों में होता ही है, ये कोई नई चीज नहीं है कि आज एक के साथ है, आज दो के साथ है, ये तो चलता है, और प्यार भी हो जाता है, रिलेशन में भी रहते हैं, और ब्रेकअप भी होते हैं, लेकिन जब सुसाइड कर लिया लड़की ने तो उसको जो है ये कह दिया गया कि तो लड़का मुसलमान है, और टीवी वालों ने कह दिया तो लव जिहाद हो गया। इस तरह के केसेस उठाते हो आप लोग, जिनके कोई सर पैर नहीं कर रहे हो, मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ जिनमें जेन्युइनली इसी तरह ही है, सारे इसी तरह है, मैं मानता ही नहीं कि इस लव जिहाद है, मैं मानता ही नहीं कि लव जिहाद है, जब देश की सरकार नहीं मान रही है, एनआईए नहीं मान रही है, मैं नहीं मानता देश, जब कानून ही नहीं था हमारे देश में, और आज भी केंद्र सरकार, अरे 2021 में अभी अंतर्गत केसों को, अभी पिछले साल केंद्र सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा केसेस दर्ज होते हैं, ट्रिपल तलाक में भी यही होता था, उस वक्त भी आप लोग ये कहते थे कि कोई केस तो है ही नहीं,
जब पर्याप्त कानून ही नहीं होगा तो किस तरह से काउंट किया जाएगा कि किस अच्छा, किस चीज के कितने केसेस आ रहे हैं? सुनिए, आप मुझे पूरे देश के अंदर एक कानून बताइए, एक केस बताइए जो लव जिहाद के हिसाब से कन्विक्ट करके उस पर कार्रवाई चल रही हो, एक केस बताइए। एक केस अभी बरेली में सजा हुई है, अभी पिछले कुछ दिन पहले का केस है। अभी लव जिहाद के नाम पे दो केसेस हो चुके हैं जिसमें कार्रवाई हुई है। लव जिहाद के नाम पे? हाँ जी, नहीं, लव जिहाद के नाम पे। हाँ, जबरन धर्म परिवर्तन जो पहचान गलत बोल रहे, जबरन धर्म परिवर्तन अलग चीज है, जबरन धर्म परिवर्तन अलग चीज है। हरियाणा में कानून भी बन गया जबरन धर्म परिवर्तन का, हम भी उसकी हिमायत करते हैं। जबरन धर्म परिवर्तन वो अलग चीज है, लव जिहाद पे केस कहाँ है? लव जिहाद नहीं, लव जिहाद कहाँ है? लव जिहाद का केस बताइए ना। जिहाद के नाम से नहीं है ना, कानून तो यही है ना, जबरन धर्म परिवर्तन के कानून बनाए। ये कोई बात हुई? ये कोई बात हुई? अगर कोई आदमी किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराता है